أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على خير رسله محمد بن عبد الله وعلى آله الغر الميامين وصحابه المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين قال الله سبحانه

खुदा की इत सिर्फ़ नमाज और रोज़े और हज जो अमाल व इबादत हैं इसमें मुनहसर नहीं है बल्कि खुदा की इबादत और बंदगी का माना यह है इंसान की हर हरकत हर सुकून उठना बैठना आला की हरकत आँखों की हरकत कान से जो सुनते हैं मुंह से जो बोलते हैं नाक से जो सूंघते हैं इन तमाम उमूर में तमाम हरकत और सकन में हम खुदा की इबादत करना इबादत करना चाहिए और इबादत करने का हुक्म दिया है यानी हम खुदा की इत करें हमारी आँख उधर ना जाए जहाँ खुदा ने मना किया है हम उन्हों से वो बातें ना करें कि जिनसे खुदा ने, ने मना किया है इसी तरह आरे हर हमारे तमाम आदा और जवारे की हरक़त जो हैं हाथों की उंगलियाँ पाओ की उंगलियों के इशारे हती आँख के इशारे भी खुदा की इतात से खारिज नहीं होने चाहिए अगर इंसान इस तरह हो जाए तो वो खुदा का सही बंदा है देखिए कायनत ज़मीन व आसमान सूरज चाँद सितारे हवा बादल बारिश ये सब खुदा की अतहात में हैं खुदा की दी हुई ताकत खुदा के सादे हुए अवामर और नवाही के तहत ये हरकत करते हैं लेकिन इनकी हरकतें ज़मीन व आसमान और कायनात की हरकतें इंसान के अलावा सबकी हरकतें तकवीनी हैं यानी वो उनको कोई इरादा व इख्तियार नहीं है बग़ैर किसी इरादे व इख्तियार के ख़ुदा के हुक्म की फरमादारी करते हैं इंसान सही अब उसी तक बन सकता है कि उसकी ये ना उसकी ये तकवीनी हरकतें बल्कि उसकी इरादे की हरकतें भी सब खुदा के इरादे के तब हो जाएं। जब लेकिन वो तकवीनी हरकतें वो तो इंसान के हाथ में नहीं हैं लेकिन वो इरादे की जो हरकतें व सुकून हैं वो उसकी मक उसके इरादे के ताबे हैं ये भी उसी तरह खुदा के अवामिर और नवाही ताबे हो जाए तो सही इंसान खुदा का बंदा बन सकता है खुदा ख़ुदांद आलम ने अपने पाक बंदों में से सिर्फ एक बंदे के बारे में ये गवाही दी है कि उसकी तमाम हरकतें वह हरकत तकवीनी हों या हरकत इरादी हों वो खुदा के इरादे के अताबे थी वो रसूल इस्लाम है फरमाया रसूल की कोई हरकत भी खुदा के इरादे के से इरादे के बाहर नहीं है आयमा मासूम इन अम्बिया वो इस मंजिल तक नहीं पहुँच सके लेकिन खुदा आलम ने उनको भी मासूम बनाया उनकी इरादे उनकी हरकतें कभी मासीत की तरफ नहीं थी लेकिन ये मरतबा कि हर लहद हर हरकत हर सुकून हता दिल की हरकतें भी खुदा के इरादे के ताबे हों ये खुदा खुदांदे आलम ने ये शरफ सिर्फ सिर्फ रसूले का इन खुदादे आलम ने इस कायनात को इसलिए खलक नहीं किया कि वो उसका मोहताज था अल आदब बल्कि अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए ताकि लोग उसकी कुदरत की पर ईमान लाएं और उसकी उसकी इतहात करें इस तरह वो इस तरह वो लोग खुदा की आदमत के सामने झुकें और खुदा के सही बंदे बन जाएं इस तरह उनको खुदा की तरफ से नेमतें और हासिल होगी दुनिया में भी और आखरत में भी लेकिन जब खुदाद आलम देखता है कि लोग اس کی كليه کے لیے تیار نہیں ہیں سرکش ہو گئے ہیں تو خدا ولد عالم کارون جیسی کرونا جیسی وبائیں دنیا پہ مسلط کرتا ہے۔ آیت عالم لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء بركات السماء लेकिन बार बार कुरान में यह कि जो भी वा वा आम बला मोत हयात इंसान की जिंदगी का लाजमा है ना कि ये बलएँ जो और खूस बलएँ जो इंसान पर आती हैं वो इंसान की बदबख्ती और गुमराही और खुदा इंसान के इन्हें हरात के समा लाय रहे इन आयतों का मतलब ये निकला कि ये कोरोना की वबा भी हमारी बदबियों हमारी नाफरमानियों हमारी रा, गैर राह रवी का नतीजा है लिहाजा अगर हम इस, मरा, इस इस वबा से और दूसरी वबाओं से छूटना चाहते हैं तो हम खुदा की पलटाएँ खुदा की रहमत में आ जाएं खुदा की एत में आ जाए खुदा की एत खुदा की रहमत है खलवत में बैठकर अपने गुनाहों का मुआयना करें उनको उनकी माफी मांगें आंखों से आंसू निकालें खुदा से माफी मांगें ताकि खुदा उन्हें आलम हमसे ये आबाद दुनिया से दूर करे ये खुदा की रहमत से दूर नहीं है वो खुदा हर काम को कन फून करता है जैसे कन फून से ये वबा आ गई है तो कन फून से ये वबा एक सेकंड में खुदा आलम इस दुनिया से दूर कर सकता है हम कहते हैं हम अपने सरकशी पे बाकी रहें और खुदा हमसे ये वबा दूर करते हैं, ये माकूल नहीं है वबा इसीलिए आई है कि हम सर कैसे हम रहा हैं कोई ख्याल ना करे मैंने तो कुछ नहीं किया सिर्फ थोड़ा झूठ बोला है मिसाल के तौर पर मेरी गई है। लोग क्या कर रहे हैं देखिए अगर तुम ये छोटा गुना ना करते तो सारे गुनाहों से मिलकर ये गुना उस बड़ा के सब को पूरा ना करता हर इंसान जिसने छोटा सा भी गुना किया है वो इस वबा के आने के लिहाजा हमारा फरीजा है कि हम खुदा की तरफ बल्ठे खे मुबारक रमजान में हैं, रमजान के महीने में रहमत खुदा में वसात पैदा होती है इस रोज रोजे की हालत में मोमिन का सोना भी इबादत है उसके सांस भी इबादत है इस इबादत के महीने में पाक महीने में हम खुदा की तरह पलटे खुदा की रहमत के आगोश में वापस आ जाए ताकि खुदा हम थे ये बाबा और दूसरी वबाएं ये मुसीबत और दूसरी मुसीबतों को हमसे दूर फरमाए

मस्जिद वफा नहीं करना चाहते हैं आप एहतियात के साथ वो एहतियात जो डॉक्टरों ने हमें फरमाई है उसकी पाबंदी के साथ हम ऐसे कर सकते हैं आए लोग एक दूसरे के पहलू में करीब ना बैठे दूर दूर, दूर बैठे आपकी इमाम बड़े बहुत, है। बहुत हैं आपकी मस्जिदें बहुत हैं उनमें बैठ अगर ना हो सकते इंसान अपने घर में अपने रिश्तेदारों में अपने बच्चों में बैठ कर किसी को बुलाए जो अबीर की शहादत को, को, को छोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है दुश्मन अहले बेत ये चाहता है कि हम इससे छूट दे हम इसे बर्पा नहीं करेंगे तो हम दुश्मन अहल बेद दुश्मन आमिर मोमिन की जो रगबत है उसको पूरा करेंगे लिहाजा मोमिन का फरीदा है अखलाकी दीनी शरायी फरीदा है कि इन मजालस को बर्पा करें और देखिए बीमारी जब वबा की सूरत में आती है या किसी और सूरत में आती है वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती फर्क सिर्फ ये होता है कि जिसके हाथ में पैसे हैं जिसके हाथ में दौलत है वो अपना इलाज खुद कर सकता है लेकिन वो शख्स जो फकीर है मोहताज है गरीब है यतीम है बेवा है वो अपना इलाज नहीं कर सकते जिनको खुदा आलम ने रिस्क से नवाजा है उसके रिस्क में वो सात अदा फरमाई है उनका फरीदा है कि इन गरीबों की तरफ नजर करें अपने पड़ोस में पड़ोस के अलावा दूर दराज जहां यतीम गरीब मिस्किन बेवाएं जिनके पास इलाज को नहीं है ये खाने को नहीं है रोजा रखते हैं रोजे के इफ्तार के लिए कुछ नहीं है मासूमिन की फरमान से वाज होता है कि वो शख्स जो घर में शेर होके सोता है और उसके पड़ोस में उसके महले में कोई मोमिन भूखा है तो खुदांदे आलम उस पर मोमिन पर राजी नहीं है जब तक कि उसकी तरफ मेरी दुआ खुदा हमारे ममिन को आपस में ताउन एक दूसरे की मदद की तोफ़ी कदा फरमाए और मैं मै आमिर सलाम की शहादत के मौके पर मजालस के कायम करने की तोफ़ी अतः फरमाए गरीबों की मदद की तोफ़ी अतः फरमाए और दुआ करें खुदा आलम जैसे हमें इस माह रमज़ान में रोदे रखने की तोफ़ी अदा फरमाई है या कोई और इबादत की तोफी कदा फरमाई है आइंदा सालों में भी हमें खुदा इस रहमत से नवाजे और हम आइंदा सालों में माह मुबारक सी बरकत से महरूम ना हो जाए अल्ला महमदाल मोहम्मद वसलामोमी जमियान वरम वक्